भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया, महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से देश के लोगों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं और देश के विकास में योगदान को लेकर चर्चा भी करते हैं। साथ ही लोकल फॉर वोकल से देश आर्थिक स्तर पर मजबूत होता है। यही खासियत है कि प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ को आह्वान करते हैं तो सभी देशवासी उस पर काम भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। यह पहली बार ऐसा होगा, देश ने देखा कि जब देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद झाड़ू लेकर निकलते हैं और चेन्नई में खुद सुबह उठ करके मरीना बीच पे प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वह प्रयागराज में उनका पैर भी धोने का काम करते हैं। यह जब देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री यह काम करता है तो अवश्य रूप से सब लोग उसको पालन करते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है। G20 का जहां तक सवाल है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत का जो लक्ष्य है, भारत ने तय किया था कि ये मेरा देश, ये माँ भारती विश्व में जगत गुरु के स्थान पर पहुंचेगी, भारत दुनिया में नंबर एक होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने G20 की अध्यक्षता करते हुए साल भर में ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला समय भारत का है, आने वाला समय हिंदू का है। निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ेगा और दुनिया के अंदर भारत का नाम होगा। भारत इकोनॉमी में दुनिया की 5वीं है, अभी शक्ति 3री 27 तक हो जाएगी। आने वाले समय भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा।